लड़की ने सौतेली मां को पीटकर किया बेहोश, महिला गिरिडीह रेफर। मामला तीसरी प्रखंड के नई टाण गांव का। अक्सर सुनने को आता है कि किसी सौतेली मां ने अपने सौतेले बेटे या बेटी के साथ मारपीट की, परंतु यहां कहानी कुछ उल्टी है। आज एक सौतेली बेटी द्वारा अपनी सौतेली मां को मारकर बेहोश करने का मामला सामने आया है। हालांकि मारपीट के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामला तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नई टाण का है, जहां की एक बेटी ने अपनी सौतेली मां को किसी बात पर जमकर पीटा। उस बेटी ने इतना पीटा कि उसकी सौतेली मां बेहोश हो गई। घायल महिला को अचेतावस्था में 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर जैनेन्द्र और स्वास्थ्य कर्मी चंदन कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया। हालांकि सर में गंभीर चोट रहने के कारण उन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला का नाम परमिला कुमारी, पति सुधीर दास है। बताया जाता है कि सुधीर दास की पहली पत्नी अपने पति सहित चार बच्चों को छोड़कर चली गई, जिसके बाद सुधीर दास ने परमिला कुमारी से दूजा विवाह कर लिया, जिससे उन्हें एक बेटा भी है। सुधीर दास दूसरे राज्य में रहकर काम करते हैं। गुरुवार की शाम किसी बात को लेकर सुधीर दास की पहली पत्नी की 15 वर्षीय बेटी ने उसकी दूसरी पत्नी परमिला कुमारी के साथ जमकर मारपीट कर दी। कैसे हुआ ये? इसका जो सतरी लड़की है, हाँ। मम्मा के यहाँ से आई, उसके बाद में स्कूल गई पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आई है, पूरा गाली गलौज करने लगे। बोल हमारे बारे में चुगली कर रहे थे, ये कर रहे थे, उसमें पूरा गाली गलौज। कितना बड़ी है वो? है 14 साल का। तो उसके बाद में हम लोग नहीं कुछ बोलने गए, हम सोचा कुछ नामे धरके नहीं बोल रहा था, हम किसी को बोल नहीं। खून भी निकला है क्या? नाम से निकला। वो है।